चलिए तेज रफ्तार खबरों के बाद स्पेशल रिपोर्ट का रुख करते हैं। आज 23 सितंबर है, कल रूस और यूक्रेन के बीच जंग को ठीक 19 महीने हो जाएंगे। सोचिए 19 महीनों से दो मुल्क वॉर जोन में एक दूसरे को तबाही का तोहफा दे रहे हैं। दुनिया के बड़े बड़े देश जंग खत्म करवाने में जुटे हैं, लेकिन पुतिन है कि मानते ही नहीं। आपसे कुछ घंटे पहले अमेरिका से एक ऐसी खबर सामने आई जिससे ये लगने लगा है कि रूस और यूक्रेन की जंग रुकने की बजाय और ज्यादा भड़कने वाली है, क्योंकि अमेरिका पहली बार अपना सुपर योद्धा यूक्रेन भेजने को राजी हो गया है। पहली बार पुतिन को डराने वाली खबर आई। अब और भीषण होंगे हमले और होगी तबाही। एक फोन एक फैसला, मॉस्को में खौफ आई। अब यूक्रेन करेगा रूस में घुसकर स्ट्राइक। अभी तो जंग एक तरफा थी, अब होगा महासंग्राम। यूक्रेन पहुंच रहा है अमेरिका का बारूदी सुल्तान। उन्नीस महीने बाद तैयार हो गया विध्वंसक लश्कर, आएगा बारूदी बवंडर, टारगेट पर पुतिन का शहर। बाइडेन का ऐलान, प्रोजेक्ट एमजीएम एक्टिवेटिंग। आधी रात वॉर रूम में पुतिन की इमरजेंसी मीटिंग। महाविनाश का नया अध्याय बहुत जल्द दिखेगा। अब यूक्रेन नहीं, अमेरिका का महायोद्धा लड़ेगा। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।